हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर देवेश शर्मा चैनल। दोस्तों, आज हम आपके पास आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, यानी कि इनफर्टिलिटी। हमारे क्लिनिक्स पे, हमारे सेंटर पे आए दिन इस तरह के पेशेंट्स आते हैं जो कपल्स जिनकी शादी को 6 माह से ऊपर हो चुके हैं, बट स्टिल दे आर अनेबल टू कंसीव, संतान उत्पत्ति में वो सक्षम नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि संतानहीनता, इनफर्टिलिटी, इसके कई स्टेजेस या कई इसके भाग हैं जो आपको महत्वपूर्ण है जानना। तो सबसे पहले मेल्स में क्या क्या कमियां पाई जाती हैं। सबसे पहले मेल्स में आता है एस्पर्मिया। एस्पर्मिया मतलब वीर्य की उत्पत्ति ना होना, लैक ऑफ सीमेन। दूसरा होता है दोस्तों एजोस्पर्मिया, यानी कि वीर्य तो बन रहा है लेकिन उसके अंदर शुक्राणुओं की कमी है। तीसरा है एस्थेनोस्पर्मिया। एस्थेनोस्पर्मिया में वीर्य भी है, शुक्राणु भी है, लेकिन जो शुक्राणु है उनकी मोटिलिटी डाउन है, वो आगे की तरफ जो है उनका बहुत ही स्लगिश मूवमेंट है, यानी ढंग से मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों उसमें आता है ओलिगोस्पर्मिया, मीन्स शुक्राणुओं की कमी होना। एक होता है ऊजोस्पर्मिया, कि शुक्राणु की कमी भी है और साथ में उनकी मोटिलिटी भी डाउन है। एक होता है ओलिगोजोस्पर्मिया, यानी कि स्पर्म की काउंट एवं मोटिलिटी दोनों ही इसमें डाउन रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक टर्म आपने सुनी होगी, इम्पोटेंसी। इम्पोटेंसी मीन्स नो इरेक्शंस। इसके अलावा इनफर्टिलिटी जो है ये फीमेल्स में ज़्यादातर पाई जाती है, मीन्स कि आप कंसीव तो कर पा रहे हैं बट 3-4 महीने बाद आपका मिसकैरेज हो जाता है, यानी कि यू आर अनेबल टू कैरी द कंसीव। स्टेरिलिटी यानी कि अनेबल टू कंसीव, जिसमें कि आप कंसीव ही नहीं कर पा रहे हैं। फ्रिजिडिटी, जैसे मेल्स में इम्पोटेंसी होती है लैक ऑफ रिएक्शंस, तो उसी तरीके से फीमेल्स में होती है फ्रिजिडिटी, यानी कि लो सेक्सुअल ड्राइव। तो दोस्तों, ये कुछ मुख्य टर्म्स हैं इनफर्टिलिटी के रिगार्डिंग। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनफर्टिलिटी के मुख्य कारण क्या है। स्ट्रेस, मानसिक तनाव, भागदौड़ भरी जिंदगी जीना, लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन, लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप, हॉर्मोन्स की गड़बड़ी और डिप्रेशन, और दोस्तों पॉल्यूशन। ये प्रदूषण, टेंशन, मानसिक तनाव और खान पान की गड़बड़ी, ये आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत ही कॉमन हो गया है। इसीलिए 70% कपल्स को इनिशियली कंसीव करने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेगुलर एक्सरसाइज से आप इन चीज़ों से काफ़ी हद तक बच सकते हैं, क्योंकि आपके प्रजनन अंग यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलता है, वो प्रॉपर उनका विकास होता है। दूसरा, स्ट्रेस, डिप्रेशन, पोल्यूशन, इन तीनों से बच के आपके जो सेल्स हैं वो रीजनरेट होते हैं, सेल्स का प्रोडक्शन बहुत अच्छे से होता है। दोस्तों, उचित खान पान से, जैसे कि प्रोटीन रिच डाइट लेना, विटामिन्स रिच डाइट लेना, हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडा, ये सब लेने से आपके हार्मोन सुचारू रूप से बनने लगते हैं। और सप्लीमेंट्स में आप अश्वगंधा, शतावरी, कौच, बोक्षुरु, लौह भस्म, त्रिवंग भस्म, चंद्रप्रभावटी, पुष्प धनवा रस, मकर ध्वज रस, आयुर्वेद में आप ये सब ले सकते हैं। मल्टीविटामिन्स में आप जिंक, क्लोबिफेन साइट्रेट, कोएंजाइम Q10, और साथ में आप इसमें विटामिन ए, सी, ई, यानी कि तमाम एंटीऑक्सीडेंट्स, लाइकोपीन, सेलेनियम, इनका यूज़ कर सकते हैं। मैं एक और आप बात आपको बताना चाहूँगा कि योग के अंदर सर्वांगासन, शीर्षासन और कपालभाति, इनका इसमें मैजिकल इम्प्रूवमेंट देखा गया है इन इंक्रीजिंग योर सेक्सुअल ड्राइव एंड स्पर्म प्रोडक्शन। दोस्तों, एक्टिव लाइफस्टाइल और प्रॉपर डाइट, प्रॉपर स्लीप, वैसे तो ये 90% बीमारियों को ही दूर कर देते हैं, क्योंकि आयुर्वेद का मुख्य जो प्रयोजन है वो है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी कि पहले स्वस्थ को स्वस्थ ही रखा जाए, यदि वो बीमार पड़ गया है तो उसके बीमारी का इलाज किया जाए। अगर बीमारी होने पर आप ये दवाइयाँ लेते हैं तो आप स्वस्थ हो जाते हैं, और अगर आप स्वस्थ रहते भी इनको लेते हैं तो ये ना केवल रसायन के बल्कि वाजी कारक के रूप में भी कार्य करते हैं, यानी कि आप अपने यूथ एंड विगर को खूब एंजॉय कर सकते हैं और उसको बरकरार रख सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए आप हमारे किसी भी सेंटर्स पे रुड़की, देहरादून, हरिद्वार कभी भी आके निःशुल्क इसमें परामर्श प्राप्त कर सकते हैं और हमारे संस्थान के द्वारा बनी हुई उच्चतम गुणवत्ता वाली आयुर्वेदिक औषधियों से आप इस तरह की अपनी तमाम परेशानियों को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।